छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है, एंड देन फिर ये हमारा लहसुन है, इसको मैं बिल्कुल छोटा छोटा कट किया है, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम यूज़ करा है, एंड ग्रीन कैप्सिकम को भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है। एंड अगेन प्याज को भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है, आपको लंबा लंबा प्याज नहीं काटना है, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करना है। एंड ये सबसे खास जिसको हम स्प्रिंग अनियन कहते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है। नाउ फुल गोभी को मैंने कट ऑलरेडी कर रखा था, सो इसमें मैं बेसन ऐड किया हूँ, सो 3 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया, और फिर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच हमारे कॉर्नफ्लावर को, ठीक है। तो आप रेशियो बिल्कुल सेम रखना, 3 चम्मच बेसन, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। उसके बाद ये मैं काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ फूड को कलर करने के लिए, और तीखा के लिए मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया 2 चम्मच, एंड नमक स्वाद अनुसार आप यूज़ करना, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ किया हूँ। नाउ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इस प्रकार आपको मिलाना है, ना ज़्यादा आपको पानी रखना है और ना ज़्यादा ड्राई रखना है, बिल्कुल मीडियम आपको रखना है, ठीक है गाइस। सो अब हम चलते हैं अपने कढ़ाई की ओर, चूँकि हमें इसको फ्राई करनी है, ठीक है। सो कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म थी, मैंने इसमें तेल डाल रखा था, एंड देन फिर अब हम जितने भी हमारे गोभी हैं उसको हम एक एक करके डालेंगे, ठीक है। जल्दी हमें नहीं है, आराम आराम से आपको करना है। आपको क्या करना है, पहले पकौड़े, जैसे आप गोभी के पकौड़े खाते होगे ना, तो आपको उस प्रकार से ही पहले आपको पकौड़े बना लेना है, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी मंचूरियन। सो ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है गाइज। नाउ सब आप एक एक करके डालो, आराम से डालो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखो, लास्ट में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है हमारी गोभी मंचूरियन, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनने वाली है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। ऑल राइट, सो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखो ये हो गई है। एंड नाउ अब आप इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ो, थोड़ा सा पकेगा ये, और मिलाते रहना। अगर आप नहीं मिलाओगे तो नीचे क्या है ना, वो चिपक जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा बीच बीच में आप मिलाते रहना, 1-2 मिनट बाद कंप्लीट। ये आपको 5-6 मिनट लगेगा, क्योंकि हम खुले में इसको फ्राई कर रहे हैं ना, सो पकौड़े में भी उतना ही टाइम लगता है, सिमिलरली यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा। आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा लगने लगा है। सो आपको मिनिमम 6-7 मिनट्स तक फ्राई कर लेनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप तेल डालोगे उतना अच्छा आपका क्रिस्पी बनेगा आपको पकौड़ा। सो देखो कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम हो चुका है निकालने का। सो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, देन फिर हम जो बाकी के बचे हुए गोभी है ना उसको भी हम डाल देंगे, ठीक है, सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो जितने गोभी है आप डाल के उसको भी छान के आप निकाल लो। ऑलराइट, सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने निकालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल गोभी की पकौड़ा ही है। तो आप ऐसे अभी खा सकते हो, पर खाना नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पका है। ये देखो ऑलमोस्ट 90% पक गया है, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। नाउ ये क्या है, कॉर्नफ्लावर का घोल है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर का घोल आपको बना लेना है, ठीक है, ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है। क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा, बस आप बना लो, ठीक है। अगेन कढ़ाई की ओर आए, उसी तेल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करता हूँ। सो जो तेल बच गया मैं उसी में क्या कर रहा हूँ, जो मैंने चिली कट करके रख रखा था उसको मैंने डाला, ठीक है। अब जैसे ही चिली आप डालोगे तो फिर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली मिलाना है। आप कोई भी आइटम डालते हो ना तो आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। सो सिमिलरली हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। 1-2 मिनट तक आप इसको फ्राई होने दो, फिर क्या करो, आपने जो लहसुन काट के रख रखा था ना बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में, आप उसको यहाँ पे ऐड करो, एंड देन मिलाओ इसको, ठीक है। कब तक मिलाना है, जब तक कि थोड़ा सा स्मेल दूर ना हो जाए लहसुन की, ठीक है। 1-2 मिनट तक आपको मिलाना है। ऑल राइट, सो मिलने दो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मिलाने के बाद अब आपने जो प्याज कट करके रखा था ना आप उसको ऐड कर दो, ठीक है। देन फिर अगेन आप इसको मिलाओ, जो भी आइटम हम डालते हैं तो थोड़ा सा उसको मिलाते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करो, जो कैप्सिकम आपने कट करके रखा था ना उसको ऐड करो, एंड देन मिलाओ आप। तो इसको आप लगभग 5 मिनट तक पकाना, फिर आपको अपने विनेगर ऐड करनी है, फिर आपको सोया सॉस ऐड करना है,
फिर आपको सॉसेस ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ चिली सॉस। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चिली सॉस यूज़ करो उसके बाद टोमेटो सॉस यूज़ करो, मतलब यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं, आप पहले कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने चिली सॉस डाला, देन फिर टोमेटो सॉस डालना हो। गाइस एक चीज़ याद रखना, रेशियो बिल्कुल सेम रखना। आप जितना चिली सॉस डाल रहे हो ना उतना ही टोमेटो सॉस डालना, ठीक है। अगर चिली सॉस आप ज़्यादा डालोगे ना तो खट्टापन ज़्यादा हो जाएगा। हमने विनेगर भी यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा चिली सॉस मत डालना, बिल्कुल रेशियो में जितना चिली सॉस उतना ही टोमेटो सॉस। अब देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है क्योंकि मुझे तीखा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं तीखा बहुत खाता हूँ, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया। एंड यहाँ पे स्प्रिंग अनियन को मैंने डाला। गाइस चाइनीज़ फूड में अगर आप स्प्रिंग अनियन ना डालो तो फिर मज़ा ही नहीं आता यार, ये तो मतलब टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है। एंड ये मैंने वो जो घोल बना रखा था ना कॉर्नफ्लावर का, ये मैंने डाला, ठीक है। अब पानी का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हल्का सा पानी यूज़ किया है एंड कॉर्नफ्लावर इसलिए यूज़ किया है ताकि वो हमारा जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ा बन सके। जी हाँ, कॉर्नफ्लावर से ग्रेवी हमारी गाढ़ा बनती है। सो अब आपको क्या करना है, आपके गोभी को ऐड कर लेना। गाइस गोभी को बिल्कुल भी मत पकाना वरना गल जाएगा, ठीक है। याद रखना गोभी डालते ही बस आपको 1 से 2 मिनट तक ही गैस ऑन करना है, उसको मिलाना है बस 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा आप मत करना, नहीं तो आपकी गोभी गल जाएगी, फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा हार्ड रखना है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे गोभी डालते ही मिला दिया हूँ। सो हमारी अब ये मंचूरियन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैंने क्या किया एंड में वापस से मैंने स्प्रिंग अनियन यूज़ किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग अनियन यूज़ करना क्योंकि चाइनीज़ फूड में स्प्रिंग अनियन डाला ही डाला जाता है। सो हमारी मंचूरियन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा, उससे भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा, बिलीव मी गाइस। घर पे आप बनाए हो बिल्कुल हेल्दी खाना बनाए हो आप। सो ये थी हमारी गोभी मंचूरियन, आप देख सकते हो, मुझे तो गाइस मैं रह नहीं पा रहा हूँ, खाने का मन कर रहा है, तो देर किस बात की, जल्दी से मैं आपको प्लेट में परोस के दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। ओ माई गॉड, इट्स सो डिलीशियस, मुंह में पानी आ रहा है गाइस, अरे यार मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है, मैं चला खाने। ऑलराइट, सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये गोभी मंचूरियन सूप, प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जैसे ही मैं अगले वीडियो को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। गाइस वन मोर थिंग, अगर आप किसी अदर रेसिपी में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी फास्ट फूड में इंटरेस्टेड हो, किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस रेसिपी पे वीडियो बना दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।